नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदर अपडेट के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और वेदर अपडेट में जानेंगे आज के मौसम का हाल। देख रहे हैं कि दिल्ली में जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है तो जो हवा का जो पोल्यूटेड एयर है दिल्ली में वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जानेंगे कि आगे जाके दिल्ली की हवा कैसी रह सकती है और तापमान क्या रह सकता है। तो रविवार की झमाझम बारिश से फिलहाल भले ही दिल्ली NCR के लोग साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं, लेकिन दो तीन दिन में यही राहत खत्म हो जाएगी। एक बार फिर सांसों का आपातकाल लगने का समय आ गया है। बुधवार से ही एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो जाएगा, सप्ताहांत तक ये खराब श्रेणी में पहुंच जाएगा। इसके बाद फिर इसमें लगातार इजाफा होगा। सफर इंडिया ने 1 से 20 नवंबर तक की समय अवधि को दिल्ली NCR के लिए बेहद चिंताजनक बताया है। इस दौरान एयर इंडेक्स गंभीर श्रेणी में भी पहुंच सकता है। इसकी वजह से दिल्ली NCR में दिवाली इस बार भी दम घोटू हवा में ही बनेगी। इस साल अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक भी प्रदूषण नियंत्रण में रहा, तो इसकी वजह मौसम की मेहरबानी रही। देर तक सक्रिय रहे मॉनसून से धूल प्रदूषण भी नियंत्रित में थे और पराली भी अपेक्षाकृत कम जली। लेकिन सोमवार को देश भर से मॉनसून विदा हो गया और अगले 10 दिनों तक किसी भी पश्चिमी विक्षोभ अथवा बारिश की संभावना नहीं है। पराली जलाने की घटनाओं में भी अब तेजी से इजाफा होगा। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से हवा की दिशा भी पूर्वी और उत्तर पूर्वी से उत्तर पश्चिमी हो गई है। इसके साथ पहाड़ों की ठंडक और पराली का धुआं दोनों दिल्ली तक पहुंचेंगे। हवा की रफ्तार भी 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कम रहेगी। दिवाली पर अगर थोड़े बहुत भी पटाखे जले तो हवा की गुणवत्ता और अधिक खराब होगी। वहीं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन सफर इंडिया ने अपने पूर्वानुमान में नवंबर माह के पहले 3 सप्ताह में दिल्ली की हवा चिंताजनक रहने की आशंका जताई है। सप्ताहांत से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। ये भी कहा है कि अगर समय रहते यथोचित कदम नहीं उठाए गए तो इस साल भी दिल्ली की NCR का एयर इंडेक्स 400 के पार यानी कि गंभीर श्रेणी तक पहुंच सकता है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा 4 दिन पहले ही जारी की गई एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अक्टूबर और नवंबर के आसपास प्रदूषण में पराली की भूमिका 40% तक पहुंच सकती है। इस बार बारिश अधिक दिनों तक होने के कारण अभी ज्यादा पराली नहीं जलाई गई है। इस बात की आशंका है कि बारिश खत्म होने पर एक साथ बड़े स्तर पर पराली जलाई जाए। ऐसे में नवंबर के पहले सप्ताह में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। सफर इंडिया की परियोजना निदेशक ने कहा है कि दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता जल्द बिगड़ने वाली है। पिछले साल दिवाली को अगले दिन तेज बारिश होने से हालात कुछ संभल गए थे, लेकिन इस साल ऐसी कोई संभावना नहीं है। दिवाली पर तो हवा दम घोटू होगी ही, इसके बाद भी अगले 2 सप्ताह तक स्थिति चिंताजनक रहने वाली है। वहीं बेमौसम बारिश ने ठंड का एहसास करा दिया है, जिससे 15 दिन पहले ही गुलाबी सर्दी आ गई है। यूपी में सोमवार को दिन में धूप निकलने के बाद भी ठंड लगने लगी थी। रात में कामकाजी लोगों के स्वेटर निकल आए हैं। इस मौसम में वायरल डेंगू फैला हुआ है, जिससे लोग बीमार होने से बचने को रात में अब स्वेटर पहनकर दिखाई देने लगे हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों तक आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। इस दौरान यूपी में अधिकतम तापमान भी 27 से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। तो ये था आज के मौसम का हाल। जैसे कि हमने आपको बताया कि दिल्ली की जो हवा की जो गुणवत्ता है वो आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक साबित हो सकती है, ऐसा काफ़ी सारी एजेंसीज भी बता रही हैं और मौसम विभाग का भी यही कहना है। पराली और जो अब सर्दियां आ गई हैं और मानसून विदा हो गया है, इसकी वजह से अब दिल्ली में जो पोल्यूटेड एयर का जो लेवल है अब वो बढ़ने ही वाला है। तो फिलहाल वेदर अपडेट में बस इतना ही। नमस्कार।